अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सुबह की फटाफट बना रही हूँ चाय। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी और ज़ुकाम हो गया था। और आज ज़ैनब का मुझे रिपोर्ट कार्ड भी लेने जाना है, क्योंकि आज ज़ैनब का रिज़ल्ट मिलने वाला है। जो है देखते हैं आज ज़ैनब का, काफ़ी लेट एडमिशन हुआ था, इस वजह से जो है ज़ैनब की पढ़ाई पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा। अब जाके जो है देखते हैं ज़ैनब ने एक महीने में क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और यहाँ पे मैंने चाय बनाई है अदरक अजवाइन डाल के, और ये मेरी चाय हो गई है तैयार। और पी के फटाफट मैं जाऊँगी स्कूल। टाइम को रेडी कर दिया है इब्राहिम, देखिए रेडी होके बैठे हैं। अब हम लोग स्कूल के लिए निकलेंगे, ये खेल रहे हैं रस्सी से। रिज़ल्ट लेके मैं आ चुकी हूँ ज़ैनब के स्कूल से। अब बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, तो इस वजह से मैं दिन भर आराम ही करती रही। और अब उठी हूँ, मैंने सोचा कि कुछ सोयाबीन टाइप एक आइटम बना लेती हूँ खाने में, तो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ सोयाबीन का पुलाव। ये है, मैंने प्याज काटी हुई है, इसको मैं घी में डाल लूँगी। और ये मेरा सोयाबीन फिंगा हुआ है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। जब मेरी प्याज फ्राई हो जाएगी तब मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा पीस के रखती हूँ, ताकि मेरा फटाफट से काम हो जाए। और यहाँ पे देखिए इब्राहिम खड़े हैं इंतज़ार में कि कब मुझे कोई चीज़ मिले और मैं इसको गिराऊँ। ये देखिए खड़े हैं। ये है ज़ैनब का रिपोर्ट कार्ड, और ज़ैनब आई है क्लास में 4th। काफ़ी अच्छे इनके नंबर आए हैं, जिस हिसाब से इनका लेट एडमिशन हुआ था मैम ने कहा, उस हिसाब से इनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। इनकी हैंड राइटिंग और ये सब देखिए, इनकी कॉपी है जो इन्होंने किया था, सब कुछ बहुत ही सही इन्होंने लिखा है। नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर लेट एडमिशन ना होता तो ये फर्स्ट ज़रूर आती। और जो है इनके अच्छे नंबर आए हैं। ड्राइंग तो देखिए इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल बन गई है, देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग बनाया है इसने। और जो है बहुत अच्छा इनका परफॉर्म था, मैथ्स में भी 49 आया है 50 में से। हस्बैंड की डेट के वजह से ज़ैनब का एडमिशन बहुत ही लेट हुआ था, 20 मार्च को उनका इंतकाल हुआ था। तो 4 महीने मैं इद्दत में थी, उसके बाद जब मैं इद्दत से बाहर आई तभी इनका एडमिशन मैंने करवाया, इसलिए काफ़ी लेट हो चुका था। अगस्त में इनका एडमिशन हुआ। यहाँ पे मेरी सोयाबीन देखिए फ्राई हो रही है तेल में, इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। देखिए ये तेल में जब हल्की ब्राउन कलर की हो जाएगी तब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसमें कुछ हरी मिर्च काट लूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, और गर्म मसाला। ये है मेरे पास बासमती का टूट, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, ये बनने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसको सोयाबीन के अंदर डाल दूँगी, और ये बन गया मेरा सोयाबीन का पुलाव, तैयार हो गया। काफ़ी भूख लगी है हम लोग को सुबह से, मैंने खाना भी नहीं दोपहर में बनाया था, ऐसे ही हम लोग ने समोसे खा लिए थे, इसलिए मुझे और ज़ैनब को बहुत ही तेज़ भूख लगी थी, हम लोग ने जल्दी से खाना। और ये बैठे हैं मेरे छोटू राम, देखिए ये बैठ के खाना खा रहे हैं। खाते तो ये कम है, गिराते ज़्यादा हैं ये, बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत ही ज़्यादा जो है ये शरारती हो गया है। अब देखिए किस तरीके से ये बेड के ऊपर चढ़ रहा है, अगर वहाँ से गिरेगा तो कितनी चोट इसको लगेगी। लेकिन ये इतना ज़्यादा शरारती हो गया है, कुछ भी नहीं सुनता है और सिर्फ शरारत करता है। अभी देखिए मैं इसको पकड़ के बेड पे पटकूँगी, ये वापस से फिर वही करेगा। देखिए ये देखिए गिरा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अब हमारा व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम भी है, इसलिए मैं यहाँ पे रात में कॉफ़ी बना के पीऊँगी। अब फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।